यहाँ से लेना है बाय, तो आपको पहले इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, यहाँ से आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करके दूसरे की तरफ ये थोड़ा बड़ा साइज के लिए मैं इस तरह कटिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी फार्मूला दिखा रहा हूँ, कपड़ा बिछाने का तरीका भी और कटिंग करने का, तो आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप कहीं बाहर जाएंगे कटिंग करने के लिए, एक ही जगह तो नहीं पूरा ज़िंदगी रहेंगे, तो आपको उस तरीके से आपको कहीं पर भी जाएंगे तो आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। ये कपड़ा बिछाने का भी एक तरीका होना चाहिए, मैं जो काम करता हूँ पूरा नॉर्मल तरीके से करता हूँ, वो थोड़ा दिखाया थोड़ा रखा वैसा नहीं, आप अगर पूरा देखेंगे तब सही है, नहीं देखेंगे तभी सही है। तो यहाँ से आपने हाफ इंची नीचे ले लेना है। अब यहाँ से आपको मैं जो कोट का बैक है वो मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। अगर पहले आपने पैंट काटा हुआ सामना इधर और बैक इधर काट देता, वो बाजू का अगर नहीं निकालता तो यहाँ से तक हो जाता, लेकिन आप बैक कटिंग करेंगे फ्रंट कटिंग करेंगे तो बड़ा साइज है, तो वो उसका बाजू किधर लेंगे फिर, यानी एक लंबाई में बैक लेंगे, एक लंबाई में आप सामना लेंगे, फिर एक लंबाई में आपको बाजू लेना पड़ेगा, तो इसमें आपको कपड़ा ज़्यादा लगेगा, 4 मीटर लग जाएगा, इसलिए ऐसे करके हम लोग कटिंग करते हैं। यहाँ से 1.5 इंची प्लस 1.5 इंची आपको ये साइड में मार्जिन रखना है, तो साइड में मार्जिन इस तरीके से रखें। अगर आपको थाई में हिप में बढ़ाने का कभी लगता है कि साइड से मुझे बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से मार्जिन रख सकते हैं। 1/2 इंची डाउन किया हुआ था तो यहाँ से 2.25 इंची रख दीजिए। ये हो गया, अब यहाँ से आपको 35 इंची है तो 9.25 इंची होगा प्लस 2 इंची, अब 11 × 44 हो गया। अब यहाँ से थाई नाप लेंगे, यहाँ से फिर ये आराम से इस तरीके से अपने हल्का राउंड देना है, ज़्यादा राउंड नहीं देना है। जैसे 3.5 इंची 3.5 इंची सवा 5 इंची, इसमें मैं 2 इंची का दिया हूँ, तो यहाँ से 1.5 इंची और 1.5 इंची, यानी डबल डांट हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये कमर छोटा है, हिप ज़्यादा बड़ा है, तो अगर हिप
यहाँ से एक डॉट देंगे, आपका इस तरह से निशान आएगा, ठीक है। कमर छोटा हो की वजह से तो आपको इस तरह नहीं देना, नहीं तो ये आपका कमर नहीं बैठेगा, हिप नहीं बैठेगा, इसलिए 1/2 इंच ज़्यादा करके यहाँ से आपने सीधा निशान लगा करके फिर डबल डॉट मैं रख दिया हूँ। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही आसान आसान तरीके से लेडीज पैंट का, कोट का, जींस कोट का, सफारी का, शेरवानी का, यहाँ पे मार्जिन रख करके फिर आप कटिंग करें। यहाँ से सीधा ये कटिंग कर दें। तो आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि कपड़ा कटिंग कैसे बिछाते हैं, और बड़ा साइज है तो बाजू किस जगह से निकालते हैं। तो आगे मैं आपको बैक कटिंग करके, इस जगह से मैं बैक कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आप पहले इसका पैंट का फ्रंट देखिए, फिर बैक देखिए, उसके बाद में मैं इसका पार्ट बाई पार्ट करके कोट का भी कटिंग करूँगा, तो आप वो भी देखिए। आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। ओके फ्रेंड, बाय।